नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको आज के राशिफल में, यानी कि 23 जून 2018 के राशिफल में। दोस्तों बात करेंगे मेष से लेके मीन तक की, देखेंगे कि कैसा रहने वाला है उन सभी का हालचाल। साप्ताहिक राशिफल मैं आपको दे चुका हूँ, आप वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और साथ ही साथ वुमनिया ऐप पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर से निवेदन यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को दबा के जाइएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं हम लोग अपनी मेष राशि से कि मेष राशि वालों का कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि 23 तारीख का दिन। कुछ नए कॉन्टैक्ट्स में बनते हुए कल दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं खर्चे कल थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और वैचारिक जो मतभेद हैं परिवार के साथ कुछ खर्चों को लेकर आपके हो सकते हैं। आपका मन नहीं है खर्च करने का, लेकिन फिर भी वहाँ पर खर्चे जो हैं वो बढ़ते हुए आपके कल दिखाई देंगे। जहाँ तक अगर प्रेम संबंधों की थोड़ी सी बात करूँ तो प्रेम संबंध थोड़े से उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति कल बनती हुई दिखाई देगी। थोड़ा सा आपको संयम बरतना है, बोलते समय ज़्यादा आप कठोर वाणी का इस्तेमाल नहीं करना है। कहीं ना कहीं यात्रा भी आपकी हो सकती है, कुछ शॉर्ट टर्म यात्रा भी कल आपकी हो सकती है, जिससे थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। कहीं ना कहीं दिन जो पूरा जो है वो थोड़ा मध्यम वाला है, थोड़ा सा शांति से निकालने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा आर्गुमेंट्स वगैरह में कल यानी कि आज 23 तारीख को आप ना पढ़िएगा। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं तो कुछ घबराहट सी महसूस होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ स्वास्थ्य जो है कुछ रिलैक्स मूड में चाहता है, आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको चाहिए कि आप समय निकालें अपने बॉडी के लिए, अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स फील कराएं। बहुत काम कर लिया आपने, थोड़ा सा आपको चाहिए कि कल अपना रेस्ट करें और पॉजिटिव माइंड को रखें अपने। और कल सुबह कोशिश कीजिएगा, यानी कि 23 तारीख की सुबह को कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा आप बाहर जाएं, टहलने जाएं, घूमने जाएं, जिससे कहीं कहाँ कहीं माइंड जो है वो सकारात्मक हो। माता पिता का सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई देगा और जो आपको 2-3 दिन 4 दिन से जो आपको ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला रह गया ज़िंदगी में और मेरा कोई साथ नहीं देता, इस तरह के जो नेगेटिव ख्याल आपके हाथ मन में आ रहे थे वो कहीं ना कहीं आपके कम हो सकते हैं। प्यार मोहब्बत के मामले में दिन थोड़ा सा मध्यम कहूँगा आपके लिए, लेकिन कुल मिलाकर जो घर का एटमोसफियर रहेगा कल वो बहुत अच्छा रहने वाला है और कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट थिंग आप अपने मम्मी पापा के साथ शेयर करते हुए दिखाई देंगे। तो दिन थोड़ा सा कहूँगा मिक्स बैग की फीलिंग रहने वाला है, लेकिन दिन कोई बुरा नहीं कहा जा सकता। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं तो दिन काफ़ी बढ़िया है, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी कल होती हुई दिखाई देगी। खर्चे थोड़े बढ़ेंगे ज़रूर और कहीं ना कहीं जेब पर भारी पड़ेंगे, लेकिन मौज मस्ती के मूड में होंगे तो ज़्यादा ध्यान आप उसके ऊपर नहीं देंगे। कुछ क्विक रिएक्शंस भी आपसे देखने को कल मिलेंगे। लापरवाही महंगी पड़ सकती है, इसलिए अगर आप बाहर जा रहे हैं, यात्रा पर जा रहे हैं, मौज मस्ती करने जा रहे हैं तो कोशिश ये कीजिएगा कि ध्यान से जाएं, सब चीज़ों को लेकर साथ लेकर जाएं। आज कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिल सकती हैं ऑफिस में, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं। अगर आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा फोकस अपना ज़्यादा करें, उतावले ना हो, बेटर परफॉर्मेंस करेंगे बढ़िया रहेगा। कर्क राशि की बात कर लेते हैं, आप भी कल मौज मस्ती के मूड में दिखाई दे रहे हैं। कल छोटी मोटी यात्रा या वाटर पार्क में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खर्चे पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अननेसेसरी खर्चा मत कीजिएगा। बच्चे अगर साथ में जा रहे हैं तो बच्चों का थोड़ा सावधान रखिएगा उनको कि चीज़ों से ज़्यादा दूर रहें, ज़्यादा पास ना जाएं। लव मैटर्स के लिए अगर डेट पे जा रहे हैं तो दिन बहुत अच्छा है, आप एक दूसरे को अच्छे से और समझ पाएंगे और एक दूसरे के करीब आ पाएंगे। वहीं अगर ऑफिस जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो साथ में लोग काम करते हैं उनका सहयोग मिलेगा, जिससे काम बहुत जल्दी से होगा और आप अपने काम को कम टाइम में निपटा के आगे की सोच पाएंगे। कुल मिलाकर दिन आपके लिए अच्छा है, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सिंह राशि की बात कर लेते हैं, आपका जो नज़रिया है लाइफ के प्रति अब पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आर्थिक रूप से भी ये दिन काफ़ी अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है और घर में अगर आपकी कोई छोटी बहन है तो उसके रिश्ते की बात यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा उदास भी होंगे क्योंकि वो दूर चली जाएगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उदासी भी आपको आ सकती है।
लेकिन अभी आपको भविष्य के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, अभी आप अपने प्रेजेंट लाइफ के बारे में सोचें। वहीं लव मैटर्स के लिए दिन काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, ज़्यादा चिंता नहीं करनी है आपने, आर्गुमेंट्स नहीं करने हैं आपने, आप उनके साथ रोमांटिक डेट बता सकती हैं। कहीं ना कहीं नौकरी में भी बॉस का जो मिजाज है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आपको कल जल्दी छुट्टी भी कल दे सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ऐसे लोगों के साथ आपको नहीं जाना है जो थोड़े से भी गलत मोटिव से आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, उनसे थोड़ा सा आपको बचना ज़रूरी है। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। घर में किसी की तबीयत कल चिंता का विषय बन सकती है, हालांकि कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं होती हुई नहीं होंगी। वहीं जो लव मैटर्स हैं वो आपके अच्छे होंगे, आर्थिक फ़ायदा होता हुआ आपको दिखाई जो है वो देगा, जिससे दिन जो रहेगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जज्बातों को समझने की कोशिश करें, बेटर रहेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आर्गुमेंटल थिंग्स जो हैं वो होती हुई दिखाई देंगी। सुनी सुनाई बातों को ज़्यादा तवज्जो या तवक्को ना दें, बस खुद से जाने, खुद से भावनाओं को समझेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेटर रहेंगी। तुला राशि की बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा दिन है, जो घबराहट थी, जो बेचैनी थी वो कम होगी और आप काम अच्छे से कर पाएंगे। वहीं जो खर्चे आपके हो रहे थे थोड़े तो बढ़ेंगे, अभी भी खर्चे तो आपके बने रह सकते हैं, लेकिन ये खर्चे भी आपके चल के आगे आपको फ्रूटफुली देंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। बस ये ध्यान रखिए कि घर के लाइफ को, दफ्तर की लाइफ को थोड़ा सा यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके चलिए, दोनों को मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं घर में तनाव होते हुए दिखाई देगी। अपने प्रिय के ऊपर शक ना करें, किसी भी तरह से उससे आर्गुमेंट ना करें, किसी और की फ्रस्ट्रेशन किसी और के ऊपर ना निकालें, बेटर रहेगा। क्योंकि शाम होते होते तक कुछ योग बनेंगे आपके आर्थिक मुनाफे के, और दिन जो रहेगा वो आपके लिए जाते जाते आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आज का दिन बढ़िया रहने वाला है क्योंकि जीवन साथी आपका पूरा सहयोग कर रहा है आपको, लेकिन कहीं ना कहीं आप कुछ पुरानी बातों को सोच रहे हैं जिससे मन जो है आपका थोड़ा सा यहाँ पर शंकित हो रहा है, तो शंका को मत कीजिए, सब कुछ सही है। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। दोस्तों की सफलता आपको कल बहुत अच्छी लगेगी, आप खुद से मोटिवेट होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि डिजायर्ड रिजल्ट्स आपको अपने काम में नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप दोस्तों की जो सक्सेस होगी वो आपके लिए मोटिवेशनल होगी, और कहीं ना कहीं पुराने कोई दोस्त आपको मिल सकते हैं जिससे आपको राहत महसूस होगी। किसी पुराने यार की या दोस्त की आपको याद कल आ सकती है, और अपनी क्षमताओं में आप इंक्रीमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने स्किल्स में कल आप दिखाई दे रहे हैं कि आप काफ़ी अच्छे से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको आगे चलकर काफ़ी अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। आपकी क्षमताओं में निखार आएगा और उसे बेहतर करने की आप कोशिश करेंगे। बस ऐसे लोगों से मिलें जो ऐसे लोगों से ना मिलें जो थोड़े से कामचोर किस्म के हैं, जिनका दिमाग सिर्फ फालतू की बातों में चलता है, उन लोगों से आप बचेंगे तो दिन आपके लिए बेहतर रहेगा, और वैवाहिक जीवन के लिए भी दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। धनुराशि की बात कर लेते हैं। तो शाम को थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अचानक कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है जिससे दिन जो है वो खुशनुमा बन सकता है, किसी प्रिय से मुलाकात आपको हो सकती है और शाम को उनके साथ आउटिंग की भी आपकी स्थिति बन सकती है। गुस्से पर काबू रखें, किसी ऐसी चीज़ पर आपको पछताना ना पड़े कि बनता हुआ काम आपका बिगड़ जाए, इसलिए अपने गुस्से पर थोड़ा सा काबू रखने की ज़रूरत कल रहेगी, और अपने आप को एक्टिव रखें, प्रोएक्टिव रखें काम में, टाले ना काम को, क्योंकि दिन आपके लिए अच्छा है, बाकी का सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और किसी भी जल्दबाजी के फैसले से आपको कल बचना चाहिए जिससे आपको आगे चलकर कोई दिक्कत ना लगे। क्योंकि अगर आप कहीं पे गुस्सा किसी पे करते हैं तो खासतौर से आप सबसे पहले गुस्सा अगर करेंगे तो अपनी धर्मपत्नी पे करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। मकर राशि की बात कर लेते हैं। तो परिवार के खिलाफ ज़्यादा ना सोचें, ये ना सोचें कि मेरे पापा मेरा साथ नहीं देते, मेरी मम्मी मेरा साथ नहीं देती, इस नज़रिए को आप ना रखें, अच्छा बेटर है। क्योंकि कुछ परेशानियाँ अगर किसी ने कुछ आपको डांट दिया या कुछ कह दिया तो वो शॉर्ट कमिंग होता है, माता पिता हमेशा आपके साथ ही हैं, तो शांत रहें स्वभाव में, ज़्यादा रिएक्ट ना करें और दिन को अपने प्यार से निपटा दें। क्योंकि जो लोग आपको लग रहे हैं अच्छे लग रहे हैं वो आपको शॉर्ट कमिंग में लग रहे हैं,
आपको लॉन्ग टर्म में आपको आपके माता पिता ही साथ दे देंगे। हालांकि धन के हिसाब से, आर्थिक हिसाब से दिन काफ़ी आपके लिए ठीक रहेगा। हालांकि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ती हुई कल दिखाई देंगी, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन आपकी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। और जो घर के बड़े हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, तो थोड़े से आर्गूमेंट उनके साथ आपके होते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप एक उपाय कर लें कल, जैसे कि कोई अगर नीडी पर्सन दिखाई दे रहा है, तो आप उसको अगर 10-5 रुपये ये का कुछ सामान दिला दें या बिस्कुट दिला दें, तो आपका काम, आपका मन भी अच्छा हो जाएगा और कहीं ना कहीं दिन भी अच्छा हो जाएगा। कुल मिलाकर दिन थोड़ा सा मध्यम कहूँगा आपके लिए, आपको ज़्यादा एग्रीडेट नहीं होना है। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, इसका पूरा इस्तेमाल भी कल करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि खर्चा भी आप उतना ही करेंगे जितना आप कमाएंगे, तो अगर आर्थिक तौर पे बात करूँ तो देन थोड़ा सा जो रहेगा वो आपका 50-50 रहेगा। वहीं घर की सफाई, घर का रिपेयर वर्क करते हुए भी बिजी दिखाई देंगे, जिससे कल शाम को दोपहर में आप अपनी कमर को कहेंगे, यार थक गया मैं आज, इस तरह की बातें आपके मन की दिखाई देंगी। हालांकि शाम होते होते तक फिर रोमांटिक मूड में आ जाएंगे और कहीं ना कहीं बाहर जाते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन कल देने जा रहे हैं किसी ऑफिस में, तो आपकी प्रेजेंटेशन कल इम्प्रेसिव होती हुई दिखाई देगी और वैवाहिक जीवन भी कल आपका काफ़ी बढ़िया होता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको एंजॉय करना चाहिए। बात करेंगे अपनी लास्ट राशि जो हमारी है मीन राशि। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कल कुछ बढ़ती हुई दिखाई देंगी, जिससे मानसिक उथल पुथल थोड़ी सी होती हुई दिखाई देगी। थोड़ा सा जो स्थिति है मेंटल स्ट्रेस की, वो बढ़ेगी। हालांकि कोई पुराना दोस्त आपको मिल सकता है, जैसे मन थोड़ा सा रिलैक्स होगा, लेकिन आपको सिर्फ वही बातें याद रखनी है जो आपके पक्ष में हैं, नहीं तो कुछ निराशा हाथ लग सकती है। म्यूज़िक की तरफ ध्यान जाएगा, म्यूज़िक सुनेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से म्यूज़िक सुनते हुए काम करेंगे। और दिन जो रहेगा, शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रेसफुल ज़रूर रहेगा, लेकिन बाद में आते आते तक दिन आपके लिए बेहतर हो जाएगा। कुल मिलाकर दिन आपके लिए ठीक ठीक है, कोई बुरा नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, ये हुआ एक छोटा सा अवलोकन, उम्मीद करता हूँ आपको आया होगा पसंद। अगर आया है पसंद तो कर दो लाइक, कर दो सब्सक्राइब और बजा दो बेल आइकन। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो 9411848508, 9999623823 पर हमसे व्हाट्सएप के थ्रू हमसे बात आप कर सकते हैं। कैसी लगी ये वीडियो, साप्ताहिक राशिफल आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भटनागर रवि 24/11@gmail.com पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो के साथ और नई कुछ चर्चा के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।